हेलो गाइस, मैं रजत कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सूर्यवंशी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो एडिटर जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं और उसे काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, जो मैं वीडियो एडिटर लेकर आया हूँ ये एकदम फ्री एप्लीकेशन है और इसके साथ आप काफ़ी अच्छे तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसका नाम है VN वीडियो एडिटर और आज मैं आपको VN वीडियो एडिटर का फुल ट्यूटोरियल यहाँ पर देने वाला हूँ। जब आप दोस्तों VN वीडियो एडिटर को ओपन करते हैं तो उसका आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखने को मिलता है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं VN for Mac is available, यानी कि जो VN वीडियो एडिटर है ये Mac के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे आपको क्रिएशन किट्स में देखने के लिए मिलता है ट्यूटोरियल्स, टैम्पलेट्स, फिल्टर्स, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और फॉन्ट्स। तो यहाँ पर आप काफ़ी कुछ एडिटिंग यानी कि कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर सिंपल देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एडिट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा इस प्लस के आइकन पर। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक इस तरीके से इसका इंटरफेस अब कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और यहाँ पर आपको जाना है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, वीडियो और फोटोज़, यानी कि आप वीडियोज़ और फोटोज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फोटो सिलेक्ट करने हैं तो आप फोटो कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो करनी है तो आप वीडियोज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो वीडियोज़ ले ली हैं और एक यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो ले लिया है और हम लोग इसको यहाँ से सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर ये हमारी जो मीडिया फाइल जो हमने ली हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर आ गई है। इस तरीके से आपको देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने जो फाइल का साइज़ होता है वो आप यहाँ से सिंपल जो आपको ये ओरिजिनल का आइकन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से अपना जो फ्रेम का रेशो होगा, जो आपका साइज़ होगा वीडियो का, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप कोई इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं या इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हैं, तो वो आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अलग अलग साइज़ में आप लोग यहाँ पर मल्टीपल साइज़ में यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को, अपने जो फ्रेम साइज़ है उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर हमको YouTube वीडियो बनानी है तो हम YouTube साइज़ कर लेंगे यहाँ पर सिलेक्ट कर दें तो हमारी जो वीडियो है वो इस तरीके के कुछ यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम लोग इसे प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो प्ले होगी। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अब यहाँ पर एडिट करना सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमको यहाँ पर एडिट करना है। अभी इस वीडियो में मेरे में कोई वॉइस नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो अगर हमको यहाँ पर कोई भी वॉइस, अगर मान लीजिए आपने कोई वॉइस रिकॉर्ड की है, ठीक है, और आपने वीडियोज़ अलग से बनाई है, तो आपको उसको मर्ज करना है आपस में, यानी कि आपको वीडियो अलग से डालनी है इसके अंदर और अपनी जो ऑडियो वो अलग से डालनी है। तो इसको आप यहाँ पर किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग सिंपल यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग यहाँ पर म्यूज़िक इफ़ेक्ट्स और रिकॉर्ड अपनी आवाज़ को कर, यानी कि आप अपनी आवाज़ को जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और अपना कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और वॉइस को या फिर अपनी जो म्यूज़िक है उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर म्यूज़िक पर क्लिक किया और यहाँ पर हम लोग कोई भी एक आवाज़ जो है यहाँ पर हम लोग, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये चूज़ कर लिया है, तो मैं इसको मान लीजिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर आपको अब जो है यहाँ पर इसकी आवाज़ आपको आएगी और यहाँ पर आप लोग इसको सुन सकते हैं। दोस्तों, तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी वॉइस जो है वो आपकी वॉइस जो वीडियो है उसके अंदर भी आवाज़ है और आप चाहते हैं कि उस आवाज़ को ना आ करके या उस वॉइस को ना ला करके उसको म्यूट करके और आप दूसरी वॉइस को यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं, आपने कोई अलग से भी जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड किया हुआ है और आप उसको लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये यहाँ पर से पूरी जो आपकी जो वीडियो की जो वॉइस होगी वो यहाँ से म्यूट हो जाएगी और जो हमारी जो हमने ऑडियो जो लगाई है यहाँ पर वो आपकी यहाँ पर आपको आएगी आवाज़। तो दोस्तों, ये आप काफ़ी इजी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी आप इंस्टा रील्स वगैरह बनाते हैं या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है।
दोस्तों अगर आपको इसका फुल ट्यूटोरियल देखना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।